हेलो दोस्तों, आज है संडे का दिन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रिजल्ट कि मैंने कितने स्टॉक में आपको प्रॉफिट दिया है और कितने स्टॉक में आपको कितना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो और ऐसे दो शेयर मतलब कि ऐसे दो स्टॉक भी बताऊंगा जिसमें आपको जम की प्रॉफिट हुई है लेकिन अभी भी आपको उसमें प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक लाइक करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हिम्मत आती है दोस्तों, और अच्छा वीडियो बनाने का जो है इनकरेजमेंट मिलता है आपको। लाइक करने से पैसा नहीं मिलता लेकिन हिम्मत बहुत आती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले, हाँ दोस्तों, जब मैं आपको एक दिन पहले बताऊंगा तभी तो आप स्टॉक को खरीद के रखोगे। ठीक है, जिस स्टॉक में आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप वहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो। तो सबसे पहला वीडियो आप लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों, आरती इंडस्ट्री का। अगर आपको यहाँ पर थंबनेल सही से नहीं दिख रहा है तो आप टाइटल भी देख सकते हो, यहाँ पर आरती इंडस्ट्री गुड टाइम टू बाय टारगेट और लेवल दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आरती इंडस्ट्री गुड टाइम टू बाय और टारगेट लेवल दोस्तों, टाइटल और थंबनेल से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि मैंने आपको बोला कि आरती इंडस्ट्री को आपको खरीदना था। अब मैं आप लोगों को डेट दिखा देना चाहता हूँ प्रूफ के तौर पर। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और यहाँ पर डेट देख लेना है दोस्तों कि यहाँ पर देख सकते हैं 4 फरवरी को मैंने ये वीडियो बनाया था। कब? 4 फरवरी को मैंने ये वीडियो बनाया था और बोला था दोस्तों की आरती इंडस्ट्री को आपको खरीदना है भाई, खरीदना है भाई, खरीदना है। आपके सामने भी वीडियो प्ले करके प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूं। दोस्तों स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और टेक्निकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो कौन सा इंडस्ट्री है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो है दोस्तों आरती इंडस्ट्री। ठीक है, आरती इंडस्ट्री दोस्तों अपने हाई लेवल को टच करने जा रहा है। ऐसे कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए दोस्तों, आपको कुछ तो खरीद के रखना ही चाहिए कंपलसरी, एक या दो कम से कम। अभी खरीदारी करना स्टार्ट कर दोगे तो आने वाले 2-4 साल में आपको अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपनी को खरीद के रखो दोस्तों। अभी जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 969 चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 970 के आसपास चला, लेकिन ऐसी कंपनी को छोड़ना नहीं है, खरीदना है, खरीदना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आप तो आपने देखा मैंने कम से कम 5 to 6 टाइम आपको बोला, 5 से 6 बार बोला कि आपको खरीदना है, खरीदना है, नहीं ऐसे कंपनी को खरीद के रखो यार, खरीद के रखो। ठीक है, तो मैंने बार बार बोला कि खरीद के रखो और उसके बाद आगे भी मैंने बोला। तो उस टाइम दोस्तों करेंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है यहाँ पर देख सकते हो, आरती इंडस्ट्री का कितना चला था 969, मतलब मान लेते हैं कि 970 के आसपास चल रहा था। ठीक है, और मैंने ये वीडियो में ये भी बताया था कि जल्द ही ये जो है 1000 रुपीज का लेवल टच करने वाला है। ऐसे कंपनी को खरीद के रखो दोस्तों। अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 969 चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 970 के आसपास चला, लेकिन ऐसी कंपनी को छोड़ना नहीं है, खरीदना है, खरीदना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं इसका जो हाईएस्ट है वो टच करने वाला है जस्ट अभी। तो ये रहा आपके सामने दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए जो इसका हाईएस्ट, देखिए टच ही करने वाला है, आज भी इसको लगता है कि तोड़ देगा। तो ये देखिए आरती इंडस्ट्री की ऐसा कंपनी दोस्तों जो 100 रुपीज से विद इन 5 ईयर 5 सालों के अंदर जो 100 रुपीज में था, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 1000 रुपीज होने वाला। तो आप सोच सकते हैं मल्टीप्लाई बाय कितना प्रॉफिट आपको दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये भी बोला कि 1000 रुपीज होने वाला। ठीक है, तो ये था आरती इंडस्ट्री दोस्तों जिसमें मैंने वीडियो बनाया था। कब बनाया था यहाँ पर देख सकते हो, 4 फरवरी को मैंने ये वीडियो बनाया था और बोला था भाई कि 5 से 6 बार तो मैंने बोल दिया भाई खरीद लो, इससे ज्यादा और मैं क्या बोल सकता हूँ। और ये देखिए आरती इंडस्ट्री आज के डेट में यहाँ पर देखिए दोस्तों 4% का अपर सर्किट मारा है, और देखिए आज कितना ज़्यादा, मैंने बोला था 1000 रुपीज़ जल्दी टच करने वाला दोस्तों, 1024 का इसने हाईएस्ट बनाया है और यहाँ पर देखिए 4% को आपको मिला। तो दोस्तों देखिए मैंने 4 फरवरी को वीडियो अपलोड मारा था, आज का डेट है 15 फरवरी, आपको अगर 10 दिन के अंदर 4 या 5% मिल जाता तो बहुत अच्छा। सोच सकते हो दोस्तों 4 या 5% 10 दिनों में, 1 महीने के अंदर अगर मान लीजिए कि आपने जो है 10% भी निकाल लिया तो 1 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। और फिर आप समझ नहीं, अगर आप जो है ये समझ लोगे कंपाउंड इंटरेस्ट जो समझ लोगे तो आपको दोस्तों अमीर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, और एक वीडियो है दोस्तों जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंपलसरी भाई एक तो खरीदना है। कंपलसरी का मतलब क्या होता है कि आपको जरूर एक खरीदना है, चाहे जो भी हो आपको एक तो खरीदना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये था पहला जो था आरती इंडस्ट्री, उसका बाद था दोस्तों दूसरा वीडियो भी दिखा देता हूं। और ये देखिए दूसरा वीडियो आपको सामने रहा दोस्तों, ये वीडियो मैंने कब अपलोड किया था वो भी मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों मैंने 26 जनवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, 26 जनवरी को वीडियो मैंने ये अपलोड किया था। ठीक है, और मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि भाई केवल एक शेयर तो आपको खरीदना है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ठीक है, मैंने ये बोला था, और देखिए इस वीडियो में मैंने आपको साफ साफ बोला था भाई एक एक तो कंपलसरी खरीद लो। मैं तो बोलूंगा दोस्तों अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है, सपोज आप लोगों के पास पैसे नहीं, तो मैं इतना तो जरूर बोलूंगा कि हर महीने एक शेयर तो आप खरीद सकते हो, एक कंपनी का एक ही शेयर खरीदना। अगर हर महीने भी खरीदते हो तो दोस्तों 1 साल 2 साल 5 साल में आपके पास क्वांटिटी भी अच्छा होगा, 5 साल के बाद दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट भी बड़ा हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी बड़ा हो जाएगा। ज्यादा नहीं खरीदना दोस्तों, 1000 का स्टॉक है अगर 2 भी खरीद लोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में पैसा तो बहुत लाते हैं लेकिन दिमाग थोड़ा भी नहीं लाते, तो उससे क्या होता है दोस्तों पैसा डुबा देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को IRCTC को दम भर खरीदो, जितना है दोस्तों एक तो खरीदना ही है कंपलसरी दोस्तों।
आप खरीदो खरीदो, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दोस्तों आपको। तो यहां पर भी आपने देखा दोस्तों, मैंने कितना बार बोला कि दम भर एक तो खरीदो दोस्तों, खरीदो खरीदो कंपलसरी खरीदो। और देखिए जब मैंने वीडियो बनाया था IRCTC का, तो क्या करेंट मार्केट प्राइस चला था, केवल 1000 रुपीज था, केवल 1000 रुपीज था, ठीक है। और आज के डेट में देख लेते हैं, डेट भी देख लो यहां पर फिर से वन मोर टाइम देख सकते हैं दोस्तों, 26 जनवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। क्या ये वही IRCTC है जो 1000 रुपीज पे हुआ करता था कुछ दिन पहले, बस 15 दिन पहले, और आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों जो इसने हाईएस्ट मारा है 1600 का। 1600 का मतलब आपको 60% मिला, 60% आपके आंखों के सामने 60% मिला। आप सोचिए क्या आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता, वो भी जल्दी। सोचिए सोचिए आपके पोर्टफोलियो में क्या अभी इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिखता, नहीं दिखता। तो देखिए ये जो मैंने कब वीडियो अपलोड मारा था दोस्तों, जनवरी को, 26 जनवरी को, मतलब जनवरी खत्म ही होने वाला था, उसके बाद फरवरी, आज है दोस्तों 15, तो सोच सकते हैं 20 डेज या 1 मंथ के अंदर अगर आपको 60% मिल सकता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और दोस्तों आपको हमारे वीडियो तक पहुंचने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने YouTube में जाना है। ये देखिए YouTube में यहाँ पर आपको सर्च बार में जाके सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। देखिए ऑलरेडी मेरा आ चुका है क्योंकि मैं डेली सर्च करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप सर्च मारिएगा, यहाँ पर आपको देखिए गोल करके आइकॉन आ जाएगा परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, आपके सामने वीडियोज़ अवेलेबल है। वीडियोज़ में जाइए दोस्तों और सारा वीडियो आपके सामने रहेगा, सारा वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, 2 घंटे पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड मारा, ठीक है। यहाँ पर देख लो 1 डे अगो मैंने कौन सा वीडियो अपलोड मारा, ठीक है, सारा आपके सामने आ जाएगा, 2 दिन पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे 1 2 3 4 5 6 7 करके सारे आपके वीडियो आपके सामने में आ जाएंगे, सारे वीडियो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड मारा था, वो कौन सा वीडियो था मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर साफ साफ बोला था दोस्तों, आइडिया Q3 losses 8, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने साफ साफ लिखा था कि सावधान हो जाओ, वोडाफोन आइडिया का जो है बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और मैंने ये भी बोला अगर आपने खरीदा है तो बेचकर निकल जाओ। ये देखिए वीडियो मैंने 2 दिन पहले, ये वीडियो मैंने जो है 2 दिन पहले अपलोड मारा था, ये रहा वीडियो आपके सामने, मैंने साफ साफ लिखा था यहाँ पर देख लीजिए, वोडाफोन आइडिया देखिए कंपनी जो है डूबने वाली है, यहाँ पर देखिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था डूबने वाली है, और ये भी बताया था अगर आपने खरीदा है तो बेच के निकल जाइए, यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा था, ठीक है, अगर आपने खरीदा है तो भाई बेच के निकल जाओ। और डिस्क्रिप्शन में डेट देख लेते हैं मैंने कौन से डेट पर वीडियो अपलोड किया था, 13 फरवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, 13 फरवरी को। और 14 फरवरी को जो है इसका प्राइस वोडाफोन आइडिया का 25% गिर चुका है, 25%, ठीक है। और दोस्तों 15 फरवरी को, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने जो है 13 फरवरी को, तो दोस्तों 14 फरवरी को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाम को ये वीडियो बना के डाल रहे हैं शेयर मार्केट में, वोडाफोन आइडिया इतना गिर चुका है, वोडाफोन आइडिया बंद हो सकता है, ये हो सकता है। अरे भाई तुमको ये वीडियो अपलोड करने से क्या फायदा, जिन्होंने पैसा लगाया था उनको तो 25% नुकसान हो चुका है, बात सही है कि नहीं। अगर आपने खरीदा था तो आपको नुकसान हुआ कि नहीं, अगर ये वीडियो आपने पहले देखा होता तो आपको क्या होता, आप बेच के पहले ही निकल जाते। और यहां देखिए आपके सामने वीडियो प्ले कर देता हूं कि मैंने बोला था कि नहीं बोला था। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में। दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही खराब आया है और इसका शेयर प्राइस मतलब कि दोस्तों बहुत ज्यादा डाउन जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है दोस्तों कि ये कंपनी बंद भी हो सकती है। ये मेरा खुद का मनगठन कहानी नहीं है दोस्तों, जैसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है वैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया दोस्तों बंद होने के कगार पर भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों स्टॉक का प्राइस कुछ अजीब सा यहाँ पर आपको दिखा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड व्हाइट जैसा है पूरा। और अगर आज के देख सकते हैं दोस्तों इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट की बात कर लेते हैं तो स्टॉक ओपन हुआ था बहुत हुआ है और रिजल्ट यहाँ पर देख लो दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हो वोडाफोन आइडिया Q3 रिजल्ट है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 6453 करोड़ का जो है यहाँ पर लॉस बताया गया है दोस्तों वोडाफोन आइडिया में। तो स्टॉक का प्राइस हो सकता है कि मतलब थोड़ा बहुत गिरावट हो जब मार्केट ओपन होगा, तो जिन्होंने दोस्तों हेवी क्वांटिटी में खरीदा है उनको नुकसान होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा है मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप ऐसे स्टॉक से दूर रहिए, प्लीज ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना। तो आपने यहाँ पर देखा दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या बोला, जिन्होंने खरीदा है हेवी क्वांटिटी में उनको तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं खरीदा है भाई तुम मत खरीदो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो में मैंने आपको रिक्वेस्ट भी किया और ये भी बताया कि वोडाफोन आइडिया का प्राइस बहुत ज़्यादा है, गिरने भी वाला है और ये भी हो सकता है कि कंपनी बंद भी हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने कौन से डेट पर बनाया था दोस्तों, ये जो वीडियो था आपने सुना और मैंने साफ साफ दिखाया आपको बताया भी, ये वीडियो मैंने जो है 13 फरवरी को बनाया था। उस टाइम जो है इसका करेंट मार्केट प्राइस कितना था दोस्तों, 4.50, ठीक था।
और आज के डेट में यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कितना है, 3.40, मतलब माइनस कितना 25%, ठीक है, नेगेटिव रिटर्न है कितना 25%। सपोज अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता तो हो सकता है कि फ्यूचर ऑप्शन में आपने अच्छा खासा मुनाफा कमाया होगा, हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने सपोज मानिए कि उनको बाद में पता चला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे वीडियो बना के अपलोड करते हैं, ठीक है, आप बुरा मत मानिएगा, मैं बार बार एक ही एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है इंदुसेंड बैंक लुढ़का, येस बैंक लुढ़का, जानिए बैंक और ऑपरेटर का काला सच, ये आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है। इंदुसेंड बैंक और येस बैंक लुढ़क चुका है, काम खत्म है, मतलब अगर आज के डेट में मैं आपको बताऊं कि भाई आइडिया का प्राइस जो है 25% गिर चुका है, अगर आपने खरीदा है तो आपको क्या मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑलरेडी नुकसान तो हो चुका है आपका, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे वीडियो बना के भी क्या फायदा दोस्तों, जिसमें आपको बाद में बताया जा रहा है, जब आपको काला सच पता ही था तो भाई पहले बता देते, जिनको जिन्होंने खरीदा था कम से कम उनको तो लॉस नहीं होता, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर देखिए ये बताया जा रहा है कि येस बैंक में 6% की गिरावट, अगर यहाँ पर बहुत सारे आज के डेट में जो है लोग ये वीडियो अपलोड करके मार रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में जो है 25% की गिरावट, ये वीडियो अपलोड मारा है, और मेरे वीडियो में ये बताया जाता है वोडाफोन आइडिया का प्राइस गिरने वाला है, मतलब विल बी, और दूसरे की वीडियो में ये अपलोड मारा जाता है कि गिर गया है, 25% गिर चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, जो हो चुका है वो तो आप भी बता सकते हो, मैं भी बता सकता हूँ। और एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि येस बैंक में भयंकर तेजी, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों भयंकर तेजी, 15% का उछाल। और भाई साहब अगर आपको किसी स्टॉक में उछाल आता है तो क्या आप नहीं देख पाते हो, देखने के बाद तो सब लोग बता देंगे, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप बुरा मत मानिएगा कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अपना जो है तारीफ कर रहे हैं, ये नहीं, मैं आपको सही प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूँ। आप बोलोगे कि आपको कैसे पता चल जाता है, दोस्तों स्टडी नाम की भी कोई चीज़ होती है, एनालिसिस नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, टेक्निकल चाहे जो भी मान लो फंडामेंटल, तो जब से पहले अगर आप स्टडी करते हो, स्टडी करने के बाद आप किसी स्टॉक को क्यों खरीदते हो, इसीलिए इसी वजह से आप खरीदते हो कि अगर मैंने किसी स्टॉक को मान लीजिए कि अगर 1000 रुपीज़ में मैंने खरीदा तो इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो आप पहले खरीदे ना, आपने पहले क्यों खरीदा कि अगर मैं 1000 रुपीज़ पर इसको खरीदता हूँ तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि 1200 या 300 रुपीज़ हो जाए, 20-30% हमें प्रॉफिट हो जाए, इसीलिए तो आप पहले खरीदते हो ना। तो वही स्टडी होती है दोस्तों, अगर कोई लड़का या कोई बंदा आपको जो है अच्छी तरीके से स्टडी करके दे रहा है तो वहां पर बिलीव करो, आप ये वीडियो मत देखो कि ये हो चुका है, वो हो चुका है, मरने के बाद सबको पता है कि मरना है, ठीक है, मरने के पहले भी सबको पता है कि एक दिन जाना, तो वही चीज़ आपको बताता हूँ, घमंड मत करो, उसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे स्टॉक में पैसा लगाओ जिसमें क्वालिटी हो, क्वांटिटी तो सब खरीदते हैं, क्वालिटी वाला बिजनेस खरीदो। और आज के डेट में इस वीडियो में मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों एक बार और, आज के डेट में अभी भी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ IRCTC को आपको खरीदना है, वन मोर टाइम, IRCTC को आपको खरीदना है, जो भी हो जाए आपको खरीदना है भाई, खरीदना है भाई, खरीदना है, ठीक है, IRCTC को आपको खरीदना है, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए। दूसरी बात, यहाँ पर जो आरती इंडस्ट्री देख रही है, जो नहीं खरीदा वो तो बहुत पछताएगा, उनका तो बात ही अलग है, छोड़ो यार, ठीक है, अब जिनको नहीं खरीदना तो उनको क्या बोल सकते हैं, लेकिन भाई जो खरीद सकते हो प्लीज़ मौका मत छोड़िएगा, आपके हाथ से चला जाएगा लेकिन पछताओगे आप, हमें क्या जाएगा भाई, हमने तो पहले ही खरीद रखा, जाएगा प्रॉब्लम आपका, ठीक है। तो भाई खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, दो कंपनी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, खरीद लो आरती इंडस्ट्री और IRCTC, करंट जो प्राइस है वहां पर आपको देख लो। और मैंने ये भी बता दिया है कि आप हमारे सारे वीडियोस तक कैसे पहुंच सकते हो। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ ना, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ ना, ना ही वो इंट्राडे के लिए होता है, ना ही फ्यूचर के लिए होता है, ना ही वो ऑप्शन के लिए होता है, तो वो वीडियो होता किस लिए है? तो दोस्तों वो वीडियो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होता है, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी स्टॉक को, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो मैं वैसे वैसे स्टॉक बताता हूँ कि भाई देखो बैंक से अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, ज़्यादा लालच नहीं करना शेयर मार्केट में, नहीं तो एक दिन इतना डूब जाओगे कि निकलना मुश्किल होगा, ठीक है। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, अगर आपने आरती इंडस्ट्री या IRCTC को खरीदा तो ये मत बोलिएगा कि भाई आपने तो आज बताया था, 2 दिन बाद जो है स्टॉक का प्राइस गिर गया, मैंने 2 दिन के लिए नहीं बताया था, 4 दिन के लिए नहीं बताया था, 1 सप्ताह के लिए नहीं बताया था, इन्वेस्टमेंट के लिए बताया था, ठीक है। अगर हिम्मत है आपके अंदर, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो करो, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए हमारे सारे वीडियोस के साथ जो आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, सारे वीडियोस के साथ आप देख लो कि आपको कहाँ और कितना प्रॉफिट मिला है, क्योंकि आपके हाथ में मैंने आपको रिमोट दे दिया है, रास्ता मैंने आपको बता दिया, अब आपके रास्ते पर मैं नहीं चल सकता, खुद चलना होगा आपको। तो आप हमारे सारे वीडियोज को जो है पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं कि मैंने आपको कितना और कितना प्रॉफिट दिया। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपको 19,000 का प्रॉफिट हुआ, 1900% का प्रॉफिट हुआ ये वीडियो में, ठीक है। इतना ज्यादा प्रॉफिट अगर आपने 20,000 रुपीज जो है अगर इन्वेस्ट किया होता तो आपके सामने 1 करोड़ रुपया होता, वो 1 करोड़ रुपया होता, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आप सालों साल कर लोगे लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर इससे भी अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहिए दोस्तों, इससे भी अच्छा आप जो है इन्वेस्टमेंट करके अर्न करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और ये वीडियो तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जाके हमारे वीडियोज का प्लेटफॉर्म में देख लीजिए।
और अगर आप हमारे पेड सर्विस में इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। ये जो नंबर है, ये जो पहला नंबर, ये व्हाट्सएप का परमानेंट नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये जो नंबर है दोस्तों, ये जो है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये व्हाट्सएप का नंबर है, ऊपर वाला नीचे वाला नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे बिल्कुल मिस नहीं हो पाएगा। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में हरियाली लाना चाहते हो ऐसे, तो ऐसे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।